आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने संभागीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर द्वारा भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को दिया गया टिप्स। कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने पर टिप्स दिए। इसी कड़ी में विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इसके साथ ही संभागीय बैठक को भी ओम माथुर के द्वारा संबोधित किया गया। इसके बाद पत्रकार वार्ता में मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखी गई, जिसमें खासकर आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का परचम लहराने, रणनीति बनाकर बूथ स्तर तक तैयारी रखने की बातें कही गई। साथ ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसियों को भी श्री राम अब याद आ रहे हैं। भाजपा कहती है कि कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार हुआ और कांग्रेस कहती है कि भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ। ये भ्रष्टाचार कब खत्म हुआ? ये भूत कब खत्म? कांग्रेस अपने गिरबान में जाके यूपीए 1 यूपीए 2 में क्या हुआ, उन्हीं सरकार की एजेंसियों ने क्या किया, जो उनकी संवैधानिक एजेंसियों ने क्या किया, 9 साल से हमारी सरकार चल रही है, आज तक कांग्रेस कोई भी एक आरोप नहीं लगा पाई सरकार पे, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा पाई, तो ये दुनिया जनता समझ चुकी है। और इसलिए कांग्रेस क्या बोलती है ये अलग विषय, भाजपा क्या करती है वो अलग विषय, और करने का सीधा सीधा मतदाता से संबंध है, और वो सर्टिफिकेट हमको जनता लगातार देती जा रही है और आने वाले 24 में भी देगी और अभी 23 में भी देगी। सर, सर, सर। केंद्र मोदी जी को तो छत्तीसगढ़ की जनता ने प्यार दिया ही है, लेकिन आप लोग विधानसभा में कैसे उनको मनाएंगे? किनको? वोटर बन रहा, वोटर तैयारी है बनने में, चिंता मत करो। कांग्रेस को कहते हैं आप लोग के बस के मुद्दे ही बहुत मुद्दे, आप ये अभी ऐसे आगे देगा 15 तारीख को लोग कितना बड़ा नुकसान, नक्सलवाद कितना बड़ा करिए, बीजेपी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करिए, तमाम जो एजेंसियां उसका दुरुपयोग करके यूपीए 1 को खत्म करने का, यूपीए 1 और यूपीए 2 में क्या किया था लोगों ने, खुद की पार्टी के वो थे ना, ये सारी स्वतंत्र इकाइयां हैं, वर्षों से जो केस चलते आ रहे वो बाहर आ रहे, इसलिए इनको महसूस हो रहा है। उस समय तो हम नहीं थे ना कहीं, यूपीए 1 10 साल उनके लोग क्यों गए जेल में, हमने थोड़ी गए, उनके मंत्री गए थे। नक्सलवाद के लिए आपका क्या कहना है, क्योंकि सफाई आप लोगों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनते ही पहला काम, और देखिए 15 साल की तुलना में 8 सालों बनोगे इस समय बड़ा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनते ही होगी। आप वही सवाल वापस पूछ रहे थे, अभी पूछ रहे थे, भगवान राम जो है चुनावी विषय हो गए हैं, चाहे भगवान श्री राम हो चाहे राम मंदिर, भगवान आज मुख्यमंत्री जी एक मंच से कहते हैं कि भगवान राम छत्तीसगढ़ के खांचा है, यानी कि खांचे हैं, और दूसरा परशुराम छत्तीसगढ़ के ही भगवान है। इसमें क्या बुरा कहा तुम मुख्यमंत्री, इसमें क्या बोल रहा बताइए, वो भी कम से कम वो राम के लिए बोलने तो लगे कांग्रेस के लोग, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे, जिन्होंने राम के लिए बताओ उनका बर्थ सर्टिफिकेट है किसी के पास, जब राम मंदिर का हमने आंदोलन छेड़ा आज से नहीं 90 के दशक थे, तब कांग्रेस के लोग क्या बोलते थे, इसलिए आज उनको लगा कि भगवान राम या लक्ष्मण या कौशल्या माता मेरी मदद कर सकती है, इसलिए बोला जा रहा। कहाँ गए 70 साल तक एक पार्टी ने राज किया एक परिवार, तो कहाँ गए थे उस समय, इसलिए भूपेश बघेल जी मात्र लग रहा है कि मैं शायद नहीं आऊँ, इसलिए इस तरह के विषय जनता के बीच में ला रहे हैं, गाय को भी मान रहे हैं राम को भी मान रहे हैं, अच्छा है, और जनोई पहनने लग गए, मंदिर के दर्शन करने लग गए, मंदिरों में जाने लग गए, लेकिन हो क्या रहा, जनता तो ठुकरा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्गा से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।